विशाल आदित्य सिंह की जब बिग बॉस के घर में एंट्री हुई थी तो उनकी एंट्री वाकई काफी इम्प्रेसिव थी। हर किसी को लग रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और अब वो गेम का पासा ही पलट देंगे, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद सिद्धार्थ शुक्ला विशाल के बारे में ये कहते हुए नजर आए, दैट ही इज अ जॉक इन दिस हाउस। जी हाँ, दरअसल बात उस वक्त की है जब किचन एरिया साइड पर सिद्धार्थ पारस और शेफाली जरीवाला बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बात शुरू हो जाती है विशाल को लेकर। सब कहते हुए नजर आते हैं, वो लोग बात करते हैं कि टास्क के अंदर अकेली माहिरा ने सबको फेल कर दिया, उसने बहुत अच्छे से किया, लेकिन फालतू की दावेदारी लेके ऐवे खुश हो रहा है वो विशाल। इस पर सिद्धार्थ कहते हुए नजर आते हैं कि जैसे मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, जैसी एनर्जी उसकी शुरुआत में थी, मतलब ग्रैंड एंट्री, जैसा उसने ऑरा बनाया था ना, वैसा उसको करने के बाद इस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ, नाउ ही इज अ जोक। वो जो कुछ भी करता है सब कुछ मुझे पागलपन ही लगता है, वो सिर्फ अपना यहाँ पर मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो कुछ करे ना करे बाकी लोग बस यही मानते हैं, चलो कोई नहीं कर दिया कोई बात नहीं। मतलब उसने ना सीधा लूज मोशन करना शुरू कर दिया, दवाया खा रहा है, पहले वो पीछे से करता था, अब उसने दोनों साइड से करना शुरू कर दिया। वो घर में जो कुछ भी करता है वो ना तो इफेक्टिव और ना ही इम्प्रेसिव है। आई कैन जस्ट से दैट ही इज अ जोक एंड ही इज मेकिंग अ फन ऑफ हिमसेल्फ। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रही है हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।